आज तुलसी के पेड़ और सतूत के पेड़, हर सिंगार के पौधे ये लेके जाया जाएगा। साथ में मैं देखने आया था हरिशंकरी दिवस जो हम मनाने वाले हैं उसको लेकर भी हम काफ़ी कार्यरत हैं, तो उसको देखने आया था कि हरिशंकरी पौधे वन विभाग में अवेलेबल हैं कि नहीं, तो इन्होंने पौधे मंगाए हैं, ये अच्छी बात है। अम्मा ये कौन से तुलसी वाले हैं, कौन सी वैरायटी है तुलसी की? ये हाँ साहब जाने हैं, आज ये पौधे ले जा रहा हूँ सेतूट, जो कि फोल्डर की तरह काम करेगा। मंडी में आया हुआ हूँ, जो हमारे ठेले वाले भैया थे उन्होंने कोई इमरजेंसी लिया और चले गए, और कोई सब्जी प्राप्त नहीं हुई है, काफ़ी मेहनत की है अभी तक। उम्मीद करता हूँ किसी ठेले वाले को पकड़ूँ और कुछ कर पाऊँ, मंडी में अभी तक भटक रहा हूँ। ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है कहीं पर भी। ये पौधों की ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है पौधों की इस तरीके से। ये लगे हुए पौधे ग्रीन हो गए हैं पूरे, इस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा पौधा। ये जानवर खा गए थे पशु, लेकिन ये जाम गया है, तो इस तरीके से गुड़हल के फूल। पानी पिलाया जा रहा है। अच्छा ये तो सूख गया है, कुछ में कंचा फूट रहा है, कुछ में पौधे पकड़ लिए हैं, इस तरीके से बीज जाम रहे हैं अभी। ये भी हो गया है हरा इस तरीके से। पौधे लग गए हैं, ये लगे हुए हैं प्रेमचंद जी और सिद्धु साहब लगे हैं हमारे साथ में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा पौधे लगा दें इस तरीके से। सब छोटे छोटे जाम गए हैं, वेरी गुड, जाम गए हैं। ये हमारे भाई हैं, इस तरीके से बढ़िया।
ग्रीनरी आ रही है, ग्रीनरी अच्छी आ रही है। हाँ, पौधे फूटने लग गए हैं। कोई बुला रहा है क्या? माता जी कोई बुला रही है क्या? मैं जरा आखिरी तक पौधों का मॉनिटरिंग करके आता हूँ, है ना? आप दोनों लोग एक बार क्वालिटी चेक कर लो। साथ चलेंगे? हाँ, एक बार देखिए कोई कोई पौधे अगर उखड़ रहे हो। हाँ, उसको फिट कर दिया जाए। एक बार देख लिया जाए जाम कैसा है, तो वो पौधे रिप्लेस कर दिए जाए। मेरा प्लान था ये जो है ना, ये जो मेड़ बनी है इसके ऊपर भी कुछ पौधे लग जाए, तो ये मिट्टी होल्ड करेगा। ये जो है ना, यहाँ पे छोटे घास लग जाए। हाँ, अच्छा, लेकिन वो फिर गर्मी में वो हो जाएगा। गर्मी में हवा तो, हवा भी पास होगी। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है इंद्रधनुष। वाह, ब्यूटीफुल इंद्रधनुष लग रहा है। कहीं बारिश हुई है जबरदस्त। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस, गुड जॉब। ये आपने एक साथ चार जो बो दिए हैं, ये देखो उखाड़ के देखिए आप। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अभी उखाड़ूंगा, दिखाऊंगा अभी। एक ही है जी, एक ही है। अच्छे, हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बड़ी मेहनत की है मैंने उसमें। वो आता कि जो है इसमें बोया है मक्का और बाजरा, और उसका एक ही ओनली वन पर्पस। ये देखिए, ये भी जड़ है। ओनली ऑन ओनली वन पर्पस, पूछो क्या? सिर्फ और सिर्फ इनको हरा चारा मिले। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए साहब, दो जगह लगाइए। नो मोर बेईमानी, वो जड़ पकड़ेगा। ये देखिए, ये जो है ना कल बोया गया इसमें, और कल बारिश हो गई। कम से कम 6-7 दिन बाद आएगा। 6 दिन बाद कम से कम अभी जब ये हरियाली आएगी तो और खूबसूरत लगेगा। लेट्स गो, लेट्स गो, यहीं से एक वॉक करते हुए चलेंगे, एक बार क्वालिटी चेक कर लें। ये खुरपी हो जो मारा गड़ा दे, ये है ना एक गड्ढा, एक ऐसी लंबा लंबा भी कर दिया जाएगा। अरे चाचा की वजह से पूरा काम हो पा रहा है, फुल टाइम, ऑल टाइम, एवरी टाइम। और तुम्हें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस उम्र में भी ये पर्यावरण के लिए इतना सोचते हैं। वरना तो मैंने सिर्फ किताबों में लोग बातें करेंगे ना पर्यावरण पे, घंटों लेक्चर देंगे, घंटों मीटिंग करेंगे, हैं, लेकिन अगर पर्यावरण पे काम करने के लिए बोल दें तो कुछ नहीं। साफ सफाई पे घंटों लेक्चर देंगे, नहीं ना, साफ सफाई पे घंटों लेक्चर देंगे। एक होता है नाम के आगे डॉक्टर होता है, एक खुद के डॉक्टर। ये देखिए, ये 4 लेयर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बीच बीच में बेल लगे हुए हैं। किस चीज का पौधा लगा? ये करौंदा नींबू है, करौंदा नींबू घास, ठीक है। और उधर फूल है, वो देख रहे हो बाउंड्री पे, ये चमेली के फूल है। ये देख रहे हो, ये चमेली के कल 170 जो है, 170 पौधे लगाए गए यहाँ पे, 170, और अभी और लगाने हैं। पूछो क्यों? इसमें मुझे लगाने गुलहड़ के जितने भी फूल आते हैं ना, वो भी लगाने हैं, और गेंदे के फूल लगाने हैं चारों तरफ। अभी ना ये पूरा सिक्योर हो जाएगा। मेरा प्लान है इन फ्यूचर, है ना, ये देखो ये जड़ पकड़ लिया, कितना अच्छा पकड़ लिया, इसको खा गए थे सब, कितना अच्छा हो गया देखो। अभी हो गया, हो जाएगा। तो हरिओम बाबा, कल सुबह सारे पौधों के नाम लिखने हैं मुझे। आइए आइए, चलते रहते हैं, आप भी आए, इंस्पेक्शन कर लें, थोड़ा योगदान दें। तो क्या पर्पस था आपका? हेलो स्मार्टी बॉय, स्मार्टी बॉय, को दिन में काम हो जाता है ना, तो एक बार चेक करना पड़ता है सर, कहीं प्लास्टिक तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। अभी ये प्लास्टिक निकाल रहे हैं इसमें से, बहुत सारा प्लास्टिक था, फिर ये सुइयां, जैसे ये प्लास्टिक है, ये पूरा खेत खराब कर देंगे।
यहाँ का, सारे पौधे मेरे खराब हो जाएंगे। इसमें इसमें जानवरों के लिए बाजरा बोया गया है। हाँ, कटालवा मतलब मैं समझा नहीं। लाल ट्रैक्टर बोया था। हाँ शायद लाल ट्रैक्टर ही होगा। अगले साल तक खुद का ट्रैक्टर हो जाएगा इधर। अच्छा, पिछले बार कितना पेड़ लगा था? लगने की बात नहीं है। हाँ, जैसे आपकी तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा था ना, मेन बात तो ये। अच्छा, जैसे जो लग गया। हाँ, कोई मौका पाया उखाड़ ले गया। हाँ, कोई मौका पाया उसको तोड़ दिया। हाँ, जो बचे थे वो जानवर तोड़ दिए। हाँ, देखो जैसे ये है। अब देखो कितना फर्जी काम हुआ है। हाँ, ये तो इंस्पेक्शन करना है। एक मिनट यहाँ पकड़िएगा ये कैमरा, मैं इसको लगा दूँ। ये देखो हरा है अभी भी, ये अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। जो लगा रहे थे उनको बताया मैंने तो पॉलिसी नहीं पा, तो सब बताया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आलस कर जाते, सब में नहीं हुए हुआ है। देख रहे, उसे निकालने की कोशिश की, नहीं निकला तो ऐसे लगा दिया। होता क्या है ना, आप जब काम करते हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, आपके पास एक मकसद है, राइट? लेकिन बाकी लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। अब इस हवा और पानी से क्या वास्ता है उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो दिनचर्या में इतने बिजी हैं लोग, समझ गए, अपनी दिनचर्या में इतने बिजी हो गए हैं कि ये सब के लिए सोचने का नहीं है। जब हॉस्पिटल में जाते तब याद आता है कि अरे ये तो ऑक्सीजन बहुत महंगा है कि नहीं। रेगिस्तान में देख रहे हो, पानी का सूखा ग्रस्त होने वाला है सब जगह। हाँ, ये क्रिमिनेशन सेंटर बनेगा अभी, मैंने मांग की है। हाँ, एक प्रॉपर क्रिमिनेशन जगह बने अलग से। अरे इसको ऐसे करना था, फोकस, ये रिकॉर्डिंग चालू रहा। यहाँ पे मैंने मांग की है क्रिमिनेशन सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी देखो वहाँ पे दो जली हुई गाय आई हैं कहीं से और बूढ़ी गाय है। अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब वो अपना रिटायरमेंट जी रही हैं, कोई यंग गाय तो आ नहीं रही। आइए आइए, चलते चलते थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, इन्हीं सब के लिए तो इतने सारे मेहनत हो रही है, ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ये पौधे वौधे लग जाएंगे ना। हाँ बैठिए आप लोग, मैं आ रहा हूँ, आप लोग बैठिए। अरे सीपू, सीपू गया? अच्छा, कल्लू आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा बेटा, आजा आजा आजा। अरे तुम हो, आओ, कुछ खाए पिए कि नहीं तुम? ये मेहनत का फल है, देखिए ग्रीन हो गया है, ग्रीन। अब ये बस सुरक्षित बचे रहें यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है ऐसी है कि हम मेहनत करते हैं और यहाँ मेहनत को बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे किसी भी स्थानीय लोग हों और चाहे प्रशासनिक लेवल पे हों, हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि डिले हो जाए काम में, सपोर्ट करने की जगह डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा लोग लग रहे हैं। है इतने पौधे जो लगे हैं,
इसमें डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा लग रहे हैं। कोशिश पूरी है कि इन पौधों की जान बच जाए बस। सब पकड़ लिए यहाँ तक। अभी एरिया थोड़ा बचा है, ग्रीन तो बहुत है, ये कूस है। अब इसको भी एक बार जो है इसकी सही तरीके से ट्रिमिंग हो जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा घास पकड़ लेगा। बेटा ऊपर कहाँ बैठे हो? हाँ तो ऊपर मत बैठो ना, पौधे उखड़ जाएंगे तो आप ही के ऊपर नाम आएगा। ये बहुत बढ़िया पत्ता पेड़ पकड़ लिया इसने, ये भी पकड़ लिया है। हाँ बेटा, नहीं ये तुम्हारे पास भी आ सकता है, ये YouTube पे जाएगा, ये कोई भी देख सकता है दुनिया में। बाबा नमस्ते, कैसे बाबा? बहुत बढ़िया बाबा, बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं नहीं बहुत अच्छा है बाबा, चराइए इसको खूब। क्या सबको उम्र लगता है बेटा, टाइम लगता है, टाइम हम बदल नहीं सकते, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अभी तक तो लग गया होता, ये बच्चों ने इतना बदमाशी कर दिया ना, मैं पौधे उधर लगा रहा हूँ उधर उखाड़ दिए, और आप देखिए पूरा गेट तोड़ दिया यहाँ से वहां तक। इसका हवा पानी लगेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, हमें लोगों को मिलेगा। हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ तक पहुंचे, ऊपर तो अभी बचे हुए हैं, कुछ पकड़ लिए कुछ लगे हैं, बट इट्स ओके कि कम से कम लगे हुए हैं अभी तक। और यहाँ पे जमाव भी काफ़ी अच्छा है बीजों का, इस तरीके से यहाँ पे बच्चों ने पौधे उखाड़ दिए हैं। हाँ यहाँ पे पौधे उखाड़ के फेंक दिए गए हैं, दो तीन चार यहाँ पौधे उखाड़ दिए गए हैं। चलिए कोई नहीं, ये डेली का इंस्ट्रक्शन एक बार करना बहुत ज़रूरी है कि होता यूँ है कि लोगों ने नीलगाय आई हुई है, उनको भी अच्छा लग रहा है, जमाव तो अच्छा है इधर। थोड़ा पानी वानी और इसमें बरसता
ये देखिए हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इस तरीके से अभी एंटर कर गए हैं। ये लोग भी आने लग गए हैं पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे। इसके अलावा सियार, सांप, मोर, बहुत सारे पक्षी भी आने लग गए हैं। ये बहुत अच्छा दृश्य है कि इट्स ओके, इनको भी रहने का पूरा हक है। नील गाय हैं, इनके लिए भी हम कुछ कर पाएँ, इनके लिए भी जगह बने, लेकिन अब इनके लिए पूरा जंगल दिया जाए तभी ये बच पाएंगे। आप इनको देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं अगर ये खाने आते हैं यहाँ पे, आराम से खाए पिए रहे। आखिर इन्हीं सबके लिए ही तो सब है, वन लग जाए। अभी इनको बारिश और हो जाए तो काफ़ी अच्छी हरियाली हो जाए। इस एरिया में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, पानी लग जाता है। ये हमने बनाने का सोचा था इधर, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया गड्ढा। इस तरीके से जमाव तो अच्छा हुआ है तुलनात्मक। ये चमन मिट्टी है, इसमें तो कुछ उग नहीं सकता। बस आ गया गुरुजी, अमरूद बहुत जाम गया है, कहीं कहीं नीम भी जाम रहा है। ये मेड़ पे बहुत कुछ फेंका हुआ है, पीपल भी है। ये देखिए अमरूद का पूरा झुंड आ गया है। एक साथ पूरा पीपल बरगद फेंका हुआ था, आज भी पीपल के बीज लाया हूँ। इस तरीके से एक पौधा जमा है, ये रहा।